अस्सलामु अलैकुम, आई एम हेयर फरीना मोहम्मद। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। इसमें कौन कौन से टाइप्स है फेडरलिज्म के? पहला है कमिंग टुगेदर एंड सेकंड इज होल्डिंग टुगेदर। इन दोनों को हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स से। पहले हम लेते हैं यहाँ पे कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है? कमिंग टुगेदर में क्या होता है, मान लो ये एक प्रोवेंस है, प्रोवेंस था इंडिया पहले। इसके बगल में ये एक लैंड फॉर्म था, जैसे इस पिक में दिखाया गया है। सर्कल्स देख रहे हो आप, ये पहले समझो ये सर्कल्स पहले अलग अलग स्टेट्स थे। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को पावरफुल स्टेट्स बनाने के लिए ये सब यूनाइट हो गए, जैसे सर्कल में दिखाया गया है। कैसे सारे स्टेट्स जो है यूनाइट हो गए, इकट्ठा हो गए, एक ही पूरी कंट्री बना ली। इसीलिए इसको नाम मिला है कमिंग टुगेदर, यानी ये एक टाइप है फेडरलिज्म का। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में, यूएसए की अगर बात करेंगे तो कमिंग टुगेदर वाला टाइप ऑफ फेडरेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो इन दिस वे इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट्स। आया ये समझ? ये था कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म। अब बच्चों हम देखेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है? दूसरा है होल्डिंग टुगेदर, यानी पकड़ के रखा हुआ। पूरा इंडिया जब आज़ाद हुआ, इसके बाद में हमने इसके बाद में यानी इंडिया ने स्टेट्स बनाई। इसके बाद स्टेट्स बनाई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, अलग अलग स्टेट्स बनाई। जैसे आपने देखा साउथ इंडिया में जो स्टेट्स है वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया से उर्दू हिंदी चलता है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज अलग अलग स्टेट्स बनाई गई। ये होल्डिंग टुगेदर में हम पढ़ रहे हैं। होल्डिंग टुगेदर वाली टाइप ऑफ फेडरलिज्म में और क्या होता है? अगर इंडिया की बात करते हैं तो पहले यहाँ पे एक नेशन था, यानी कि हम जब स्टेट्स नहीं बनी थी, जब भी इंडिपेंडेंट हुआ था, तो और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया गया? एडमिनिस्ट्रेशन को सही चलाने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया गया। जैसे देखो आप यहाँ देखोगे बड़े सर्कल्स हैं, बड़े सर्कल्स में छोटे छोटे सर्कल्स है। तो कैसे दिखा रहा है, कैसे होल्ड टुगेदर हुआ है, इकट्ठे कैसे हो गए हैं सारे स्टेट्स एक नेशन में। इन दिस वे लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड द पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स एंड सेंटर। इसीलिए इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। इंडिया की एग्जाम्पल इसमें आती है और बेल्जियम की। अब हम फिर से कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म में जाते हैं। इट इंक्रीजेस सिक्योरिटी बाय पोलिंग सॉवरेंटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। इसके बाद ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस सिक्योरिटी। कमिंग टुगेदर वाली फेडरेशन में जिसमें ये ज़्यादातर मिलता है हमें देखने को, ये टाइप जो है कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म, ये हम यूएसए में भी देख सकते हैं ज़्यादातर। इट इंक्रीजेस सिक्योरिटी बाय पोलिंग सॉवरेंटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। यहाँ पे पोलिंग होती है सॉवरेंटी, और ताकि सॉवरेंटी सुप्रीम पावर को, स्टेट की सुप्रीम पावर को मेंटेन रखा जाए, और इनकी जो पहचान है सारी कंट्री को उसको बरकरार रखा जाए। इसके बाद आता है
ऑल इसी में ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर, इसी में आता है ये कमिंग टुगेदर में, इस वाले टाइप में। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, सारे स्टेट्स अपनी मर्जी से जुड़े हैं एक साथ, यानी कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स फेडरेशन है अनइक्वल पावर्स इन होल्डिंग टुगेदर। मगर अगर हम होल्डिंग टुगेदर की बात करेंगे जो कि इंडिया में है, ये टाइप ऑफ फेडरेशन, इसमें अनइक्वल पावर्स है, इसमें इक्वल पावर्स नहीं है सबों के। लाइक अगर जैसे कि हमने कमिंग टुगेदर वाली टाइप ऑफ फेडरेशन में देखा जो कि यूएसए में, वहाँ पे इक्वल पावर्स है सारे स्टेट्स के, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में अनइक्वल पावर्स है। कैसे है, जैसे कि इंडिया में दिस टाइप ऑफ फेडरेशन इज इन इंडिया, किस कौन सी टाइप ऑफ फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ, और कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन हमें देखने को मिलती है यूएसए में। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स है, नॉर्दर्न, यानी कि जैसे सिक्किम है, नागालैंड है, तो वहाँ के स्टेट्स जो हैं उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ की जियोग्राफी ऐसी है, ट्राइबल एरियाज़ है ज़्यादा, इसीलिए उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है। कुछ तो इतने इतने छोटे स्टेट्स हैं इंडिया में, उनको यूनियन टेरिटरी बना लेते हैं, तो हर एक स्टेट को सेम राइट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ कश्मीर की बात करते हैं, पहले कश्मीर भी स्पेशल स्टेटस में आता था आर्टिकल 370, लेकिन रिसेंटली उसको हटाया गया और बाकी यूनियन टेरिटरीज़ की तरह रखा गया। ये होल्डिंग टुगेदर हम वाला फीचर, ये होल्डिंग टुगेदर वाला टाइप ऑफ फेडरलिज्म जो है इंडिया को देखने में मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, और सेंटर इज़ मोर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स, कहाँ पे, होल्डिंग टाइप ऑफ, होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म में क्या होता है, सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट से। तो आज हमें ये टॉपिक समझा कि दो टाइप की फेडरलिज्म होती है, एक होती है कमिंग टुगेदर, दूसरे का नाम है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में, क्योंकि ब्रॉड टर्म है फेडरलिज्म, मत हमारी कंट्री के लिए ही यूज़ हो जाएगी, तो सारे वर्ल्ड के लिए है। अगर हम देखेंगे कमिंग टुगेदर वाली फेडरलिज्म, तो यहाँ यूएसए की बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन जाता है। और अगर हम होल्डिंग टुगेदर की बात करेंगे तो हमें अपनी कंट्री इंडिया का देखने को मिलता है कि इंडिया में कैसे ये सारे होल्ड टुगेदर जो, और सेंट्रल कैसे रूल करता है। तो होल्डिंग टुगेदर में इंडिया का बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट टाइप ऑफ फेडरेशन। अगर आपको बोलेंगे कि इंडिया में कौन सी टाइप ऑफ फेडरेशन है, आपको बोलना है होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।